हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लिब्रा बेस डेटाबेस का है। और जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं, उसी तरह से लिब्रा बेस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने लिब्रा बेस डेटाबेस पर बनाई है और आज का ये वीडियो फॉर्म क्रिएशन को लेकर के है। तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म क्रिएट करने से डेटा को एक्सेस करना और देखना बहुत ही ज्यादा और ईजी हो जाता है, वैसे ही हम लिब्रा बेस डेटाबेस में भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे चलता हूं और यहां पे सर्च कर लेता हूं लिब्रा। तो यहां पे लिब्रा सर्च करूंगा तो लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सामने आ जाएंगे। जैसे ये लिब्रा राइटर है, ऊपर लिब्रा ऑफिस बेस है, यहाँ लिब्रा कैल्क है, तो हमें लिब्रा ऑफिस बेस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ऑफिस बेस ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डेटाबेसिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको रजिस्टर तो करना नहीं है हमें, और यहाँ से फिनिश पे कर देता हूँ क्लिक। अब इसको हमें सेव करना है, तो जो भी नाम आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ अपना ही नाम, तो यहाँ लिख दिया मैंने सूरज, ये लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये सेव हो जाएगा और एक नया पेज खोल करके हमारे सामने आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब यहां से हमें डिजाइन व्यू में जाकर के इस टेबल को डिजाइन करना होगा, तो इसको डिजाइन व्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे अब हम टेबल को डिजाइन करेंगे। ओके, तो ये हमने रोल नंबर लिख लिया और रोल नंबर को हम कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम कर देता हूं, स्टूडेंट नेम। ओके, और ये भी वेयर कैर यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे। और फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे आएगा, तो पहला सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी का मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे आएगा। और एक और सब्जेक्ट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि कैलकुलेट अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर ये बताया है। यहाँ पे ले लेता हूँ कंप्यूटर, तो ये तीन ही सब्जेक्ट लेता हूँ, कुल मिलाकर के 300 नंबर का है ये। और यहाँ पर टोटल आएगा, ठीक है, तो टोटल मैं यहां से नहीं लिखता, मैं यहां पर आता हूं और यहां पे आने के बाद इसे कर देता हूं नंबर। ठीक है, और यहां पर भी इसे बना लेंगे हम नंबर और यहां पर इसे भी बना लेंगे हम नंबर, क्योंकि नंबर में ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहां पे सेव पे करता हूं क्लिक और इसे एक नाम दे देता हूं स्टूडेंट टी, यानी स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टी नाम दे दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की हमने डिफाइन नहीं की है, तो ये रोल नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे। यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करिए और यहाँ प्राइमरी की पर कर दीजिए क्लिक, तो ये प्राइमरी की बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको सेव पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे स्टूडेंट टी के नाम से इसे सेव कर देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे टी टी यानी टेबल, एंटर प्रेस कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसको देखेंगे आप तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर हो, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट का नाम है राम, तो ये राम लिख दिया हमने। और यहाँ पे मार्क्स आएंगे, तो आउट ऑफ 145, आउट ऑफ 166, आउट ऑफ 149 ये मार्क्स आ गए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 2 और इसका नाम है अविनाश, तो ये अविनाश लिख दिया हमने। और यहाँ पर मार्क्स आएंगे तो 66 आउट ऑफ 100, 56 आउट ऑफ 100, 67 इस तरह से हमने मार्क्स दो स्टूडेंट के ऐड करा दिए। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, इसको सेव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। ठीक है, अब अगर तीसरा कोई रिकॉर्ड होगा तो यहाँ से ऐड करा सकते हैं, इसको छोटा करना है, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं हम, बड़ा भी कर सकते हैं, कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर आकर के अब हमें क्वेरी बनानी है, तो चलते हैं क्वेरी पर। तो क्वेरी पर क्लिक कर दिया हमने और ये क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, इस पे जाते हैं हम। ठीक है, ये आ गए और यही वो टेबल है जिसके लिए हमें क्वेरी बनानी है, तो ये टेबल हमने ऐड करा लिया। इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, आपको एक्सेस याद होगा, एक्सेस में भी हम कुछ ऐसा ही करते थे। अभी रोल नंबर ले लेता हूं, स्टूडेंट नेम ले लेता हूं, हिंदी ले लेता हूं, फिर इंग्लिश ले लेता हूं और कंप्यूटर ले लेता हूं, इतने सब्जेक्ट हमने ले लिए। यहां पर हमें चाहिए टोटल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, और जिस नाम से आप इसे देना चाहते हैं वो यहां पर लिखेंगे अलियास में, तो यहां लिख देता हूं टोटल। ओके, ये टोटल यहां पर दे दिया हमने। ठीक है, और यहां पर अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूं यहाँ पे आसानी के साथ। यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट में आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लगाते थे, यहाँ पर आपको डब्लूटेड कोड्स यूज करना होगा। ठीक है, डब्लूटेड कोड्स यूज करेंगे तभी आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपको एड करना है हिंदी, तो यहाँ पे लिख दिया हमने हिंदी। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, प्लस इंग्लिश, तो यहाँ पे डब्लूटेड कोड्स में लिखा इंग्लिश। ठीक है,
ये लिखा हमने इंग्लिश, ओके। और अब इस डबल डॉटेड कोट्स को क्लोज कर दिया, प्लस एट लास्ट अब क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये कर दिया हमने और यहां से इसको क्लोज कर दिया, और ये कंप्यूटर में डबल डॉटेड कोट्स ओपन होगा तभी तो क्लोज होगा, तो यहां ओपन भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया। इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं, विथ इसके बढ़ा करके, ये तीनों ही हमने डबल डॉटेड कोट्स में लिखा है, ठीक है। अब हमें सिंपली इसको सेव करना है, ठीक है। तो क्वेरी वन आ रहा है, मैं यहां पे स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव कर देता हूं, स्टूडेंट क्यू, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, ये सेव हो गया, ओके। अब जबकि हम इसे क्लोज करेंगे और फिर इस क्वेरी को ओपन करेंगे, तो ये क्वेरी इस तरह से आएगी। देखिए यहां पे टोटल हो क्या रहा है, ठीक है। अगर कोई यहां पे और भी आप यहां पे देते हैं, जैसे रोल नंबर 3 है और ये मान लीजिए है रानी, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है, इनका नाम दे दिया हमने 56, 67, ऐसे कर दिया हमने, और टैप करके आप यहां पे आ जाइए, तो यहां पे टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आता चला जाएगा। अब हमें डिजाइन करना है इसके लिए फॉर्म, ठीक है। इसे क्लोज कर देता हूं। अब फॉर्म डिजाइन करना है, तो फॉर्म पे हमें करना होगा क्लिक, तो यहां फॉर्म पे कर दीजिए क्लिक। और फॉर्म किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, विजार्ड का यूज करके बनाना चाहते हैं या डिजाइन व्यू में, तो विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पर जाएंगे, तो ये एक ऐसा बॉक्स खोल करके आपके सामने आएगा जो कि फॉर्म विजार्ड का बॉक्स होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या आपको चाहिए वो देख लीजिए, जैसे रोल नंबर चाहिए तो डबल क्लिक कर दीजिए, स्टूडेंट नेम चाहिए डबल क्लिक कीजिए, और ये सारी चीजें चाहिए तो यहां पर इस बटन पर कर दीजिए क्लिक, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और यहां से नेक्स्ट कीजिए, यहां पे सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सब फॉर्म हमारा बनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, इसको फिनिश पे कर देता हूं क्लिक। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे सामने आया हुआ है, ठीक है। तो जूमिंग बहुत बढ़ गई है, तो यहां से जाकर के इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, 600% हो गया था तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो ये टेबल के फॉर्मेट में मैंने फॉर्म डिजाइन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली, फॉर्म डिजाइन करने से लुक बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये हमने 100% कर दिया, अब ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। यहां पे आप डेटा एंटर कर सकते हैं अपना, जैसे 4 हो गया। अब यहां पे मैंने कर दिया संजय, ये एक स्टूडेंट है, और यहां पर आकर के फिर 33, फिर ऐसे जो भी मार्क्स हैं यहां पे दे सकते हैं हम, ओके। और यहां से हटेंगे तो यहां पे टोटल होके अपने आप आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्म डिजाइन करने वाली बात समझ में आई होगी, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस फॉर्म में, और भी डिजाइन हम कर सकते हैं, और भी चीजें लगा सकते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।